24 अप्रैल से रेलवे एक नई पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत करने जा रही है और इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेन के टाइमिंग, रूट और डिटेल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह लेटेस्ट वीडियो अपडेट। दरअसल रेलवे की तरफ से 24 अप्रैल को एक बार फिर से नई ट्रेन की शुरुआत की जानी है और इसको लेकर के समय सारणी और अन्य अपडेट जारी किया गया। कोरोना काल के पहले सामनापुर से इतवारी के बीच चलने वाली ट्रेन से जिला के लोगों को सीधे नागपुर से कनेक्ट किया जाता था, लेकिन कोरोना के बाद इस ट्रेन को बंद कर दिया गया था, जिस वजह से रेलवे विभाग ने भी इस ट्रेन को फिर से चलाने का आदेश जारी किया है। मंगलवार को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर परिचालन प्रबंधक ने आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार 24 अप्रैल से यह ट्रेन 08714 के साथ चलाई जाएगी। इतवारी से बालाघाट और ट्रेन नंबर 08715 के साथ बालाघाट से इतवारी के बीच दूसरी दिशा में चलाई जाएगी। इस ट्रेन को चलाने के लिए सांसद लंबे समय से कोशिश कर रहे थे और ऐसे में इस ट्रेन के क्या रहेंगे शेड्यूल, आइए बात करते हैं इस वीडियो में रूट और अन्य अपडेट के साथ। इतवारी से बालाघाट के बीच स्पेशल मेमो ट्रेन के रूप में चलाई जाएगी। शेड्यूल की बात करें तो यह ट्रेन सुबह में 10:40 पर नागपुर के इतवारी रेलवे स्टेशन से रवाना होकर 2:04 पर गोंदिया रेलवे स्टेशन पहुंचेगी, जहां से 5 स्टॉपेज लेने के बाद यह ट्रेन तमाम बड़े रेलवे स्टेशन होते हुए 3 यह ट्रेन बालाघाट रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। वहीं 10 के बाद 3:15 पर यह ट्रेन बालाघाट रेलवे स्टेशन से रवाना होकर तमाम रेलवे स्टेशन के रास्ते इतवारी रेलवे स्टेशन तक 6:30 में आएगी। यानी कि दोनों ही दिशाओं में इस ट्रेन का संचालन देखने को मिलेगा। आइए बात करते हैं ट्रेन के रूट के बारे में, फिर बात करेंगे स्टॉपेज के बारे में। यह ट्रेन इतवारी से खुलने के बाद कलमना, कामठी, कन्हान, सालवा, तारसा, रेवाल के रास्ते भंडारा होते हुए चलेगी और काचेवानी के साथ साथ अन्य रेलवे स्टेशन में भी इसका स्टॉपेज दिया गया है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो अपडेट में कई और ट्रेनों की जानकारी की हम बात करेंगे। फिलहाल यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को शेयर करें नई ट्रेनों के अपडेट के लिए।